चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया। सत्ता संभालने के एक दशक बाद जिनपिंग का पहला तिब्बत दौरा है। जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सटे चीन के नियंगची शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का भी निरीक्षण किया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस दौरान मंच पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सीख दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की सियासत में हम दोनों एक साथ चलेंगे। सभा को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि आप देखिएगा, अगले चुनाव में कोई नहीं रहेगा। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आज भी लोकसभा में पेगासस के मामलों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लगातार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 26 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने के आरोप में सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन पर आरोप है कि कथित जासूसी कांड पर केंद्रीय मंत्री को बोलने से रोक दिया गया। राज्यसभा के सभापति ने सांसद शांतनु सेन के खिलाफ कार्रवाई की है। भाजपा सरकार के जासूसी कांड के खिलाफ कांग्रेस का सड़क से लेकर संसद तक विरोध जारी है। कांग्रेस के सांसदों ने पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। भारत में कोविड-19 के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 35,382 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,12,93,062 हो गई है। वहीं इस घातक बीमारी से 483 नई मौतें भी हुई है। इससे देश में कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4,19,470 हो गई है। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी रोशनी में से एक थे। वहीं चंद्रशेखर आजाद के साहस, वीरता और अदम्य भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परसराम मदेरणा की आज जयंती है। मदेरणा की जयंती पर पीसीसी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित कई नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के फुलेरा स्टेशन यार्ड में रेल दुर्घटना के समय बचाव कार्य का एक मॉक ड्रिल किया गया। इसमें एनडीआरएफ और रेलवे की विभिन्न शाखाएं सम्मिलित हुई। इस मॉक एक्सरसाइज की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में एनडीआरएफ और रेलवे अधिकारियों की एक समन्वय बैठक हुई। टोक्यो में आज से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं।